दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और डेली अपडेट पाने के लिए बेल दबा दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत, आप देख रहे हैं चैनल चैंपियन 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 चैम, आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से हम बेल आइकन को आसानी से बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और दो इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एकदम आराम से आसानी से आप बना सकते हो। तो बिना टाइम खाते हुए बनाते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलते हैं आज किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे काइन मास्टर में। काइन मास्टर दिखा देता हूँ मैं। काइन मास्टर करके एक एप्लीकेशन रहेगी, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आराम से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है। तो काइन मास्टर को ओपन किया, प्लस में किया, एम्प्टी प्रोजेक्ट में किया। एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमने मीडिया ब्राउज़र जाने के बाद हम कोई बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद मैं सिल्वर कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी कलर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं उसको 10 सेकंड पर, 8 या 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड का इंट्रो बनता है, 10 सेकंड पर रख लीजिए। ठीक है, इसको हम 10 सेकंड पर रख लेंगे। ठीक है, 10 सेकंड पर रख लेंगे इसको, ओके कर लेंगे यहाँ से। तो अभी इसको मीडिया ब्राउज किया, तो अब यहाँ से हम मेक फ्रेम इम्पोर्ट कर लेंगे। इस फ्रेम इम्पोर्ट करने से पहले इसका कलर थोड़ा फेड कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा फ्रेम आराम से दिख सके। ठीक है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या कर लेंगे, तो हम फ्रेम इंपोर्ट कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम नॉर्मली हम वापस लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मेरे जाने मैंने फ्रेम को डाउनलोड किया हुआ है, आप गूगल सर्च से आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेम फॉर स्मार्टफोन या जो भी है, फ्रेम स्मार्टफोन करके लिख लीजिए, स्मार्टफोन फ्रेम करके लिख लीजिए, सर्च कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्रेम है मेरा, ये फ्रेम है, फ्रेम को हम एडजस्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसमें एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर कितना रखना है वो तुमको एडजस्ट कर लो, उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो ये हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे रखना है हमको। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर बराबर एडजस्ट हो गया। तो इस फ्रेम को भी हम 10 में रख लेंगे, 10 सेकेंड में रख लेंगे। ठीक है, 10 सेकेंड में रख लिया। ठीक है, ओके कर लेंगे। अब इसके अंदर हमको अपना चैनल का, यूट्यूब चैनल का जो भी पिक्चर है वो डालना है। तो सबसे पहले कैसे डालना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ चले जाइए, यूट्यूब चैनल में चले जाइए। यूट्यूब चैनल में चले जाने के बाद आपको अपने अकाउंट में चले जाइए। ठीक है, अकाउंट में ये वाला फ्रंट पेज, सबसे पहले होम पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, वापस हम काइन मास्टर में चले जाते हैं। काइन मास्टर में चले गए। ठीक है, काइन मास्टर चले करेंगे तो जो स्क्रीनशॉट लिया था वो ले लेंगे। वहाँ लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के पहला स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे, फ़ोन पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ़ोन है, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आराम से एडजस्ट कर लीजिए, ऊपर नीचे खींच लीजिए और एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसका लेंथ हम 10 रखेंगे। ठीक है, इसको भी लेंथ हम 10 रख लेंगे, 10 रख लेंगे आराम से इसका भी। ठीक है, इसका भी 10 रख लिया है, तो इसको ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको एक पहले आइकॉन बनाना है। ठीक है, एक सब्सक्राइब लिखना है, यहाँ पर सब्सक्राइब लिख लेंगे हम, सब्सक्राइब लिखने के लिए देखिए, सब्सक्राइब लिख लो यहाँ पर आराम से, सब्सक्राइब लिख लो SUBSCRI। बहुत लोगों को सब्सक्राइब नहीं मिलता है, यहाँ चैनल के ऊपर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब को लिख लो। इसको एडजस्ट कर लो, कहाँ पर एडजस्ट करना है आपको, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, बड़ा छोटा कर लो, आपको जितना बड़ा चले छोटा चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो मेरे को इतना चाहिए तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। उसका कलर चूज कर लो, यहाँ से कलर चूज कर लो, रेड कलर में रख लो। ठीक है, तो यहाँ रेड कलर चूज कर लिया, ओके हो गया, सब्सक्राइब हो गया। तो अभी हम इसको भी 10 पीस रख लेंगे, 10 सेकंड रख लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको भी ओके कर लिया। अभी हमको बेल आइकॉन बनाना है, बेल बनानी है। ठीक, तो बेल बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग लेयर में गए। लेयर में जाने के बाद हम यहाँ पर सिंबल में गए। सिंबल में जाने के बाद नीचे यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, बेल आइकॉन मिल गया।
बेल आइकन को हमको भी 10 सेकंड में रखना है, ठीक है, 10 सेकंड में रखना है, ठीक है, 10 सेकंड में रखना है। अगर कर लेंगे 10 सेकंड में रख लेंगे इसको, तेल को रख लेंगे, बिल को कहाँ रखना है वहाँ रख लीजिए आप, यहाँ यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लीजिए, ओके कर लीजिए और इसको ओके कर लीजिए, ठीक, बराबर आ गया सब, सब बराबर आ गया रहेगा, ठीक है। बराबर कर लीजिए सब, कैंची से ट्रिम कर लीजिए इसको, सबको बराबर जगह पे रख लीजिए, एक जगह पे सबको ट्रिम कर लीजिए कैंची से, राइट में ट्रिम राइट, इसको इसको कर लीजिए कैंची से, ये बन गया सबको, यहाँ पर यहाँ पर इसको ट्रिम कर लीजिए, ट्रिम लेफ्ट कर लीजिए, ठीक है, सबको एडजस्ट कर लीजिए। सबको एडजस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर दो चीज़ बन गया तो हम सेव कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके कर लीजिए, यहाँ ऊपर जाइए इसको, यहाँ इनके बाद यहाँ पर ये शेयर का लोगो बनाओ, शेयर के लोगो में जाइए तो यहाँ पर वीडियो जो शेयर कर लीजिए, यहाँ ठीक है शेयर हो रही तो उसको सेव कर लीजिए, सेव हो रहा है, सेव होने तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गैलरी में सेव हो गया, ठीक है, ओके कर लीजिए, ओके करने के बाद आपको वापस चले जाइए, आपको इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, डिलीट करने के बाद वापस डिलीट हो गया, फाइल भी डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है, डिलीट पूरा फाइल डिलीट कर दीजिए, हमारा गैलरी में ऑलरेडी सेव हो चुका है, तो हम यहाँ से वापस न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, निफ्टी प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वापस हम लोग, हम यहाँ पर बैकग्राउंड लगा लेंगे, बैकग्राउंड जो चूज किया था वो चूज कर लेंगे, बैकग्राउंड लगा लेंगे, ठीक है, इसको भी 10 सेकंड में रख लेंगे, ठीक है, तो अभी इसको हम 10 सेकंड में रख लिया, इसको हम वापस वो जो फाइल को हमने सेव किया था वाली फाइल लेके आएंगे, यहाँ ये वाली फाइल है, ठीक है, इस फाइल को इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख लेंगे, आराम से इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है, कर लेते हैं, चालू कर लेंगे इसको, कट कर लेंगे, ये बराबर नहीं लग रहा है, कट कर लेंगे, ओके ओके एडजस्ट हो गया बराबर, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, इसको बराबर में लाएंगे,
है, यहाँ पर लाइएगा बराबर एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर अभी हम इसको तो बेल को बजवाएंगे और सक्सेसर बटन को बता लगाएंगे। ठीक है ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद यहाँ पर हम ड्राइंग में जाएंगे, ड्राइंग में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्कल ले लेंगे। सर्कल लेने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सर्कल को, सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से ले लेंगे आराम से, यहाँ से नीचे यहाँ सर्कल यहाँ छोड़ देंगे और उसको एनिमेशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर किया और क्या करिए तो इसको एनिमेशन दे देंगे, एनिमेशन दे देंगे पॉप अप और ड्रो का स्ट्रोक जो भी ऐसी ऐसी एक ड्रो होगा। ठीक है, ओके कर लेंगे। तो इसको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, पीछे से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ बड़ा रखना है, यहाँ छोटा रखना है, इसको के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हमको एक हैंड का गेस्टर चाहिए हमको, अभी ये तो हो गया, तो अभी हैंड का गेस्टर चाहिए। तो हमको हैंड का गेस्टर यहाँ से करेंगे, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद यहाँ हैंड गेस्टर आपको आराम से गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा गेस्टर करके, गेस्टर नीचे कर लीजिए थोड़ा, जैसे यहाँ कर लीजिए और फिर यहाँ इसको आगे कर लीजिए थोड़ा, इसको इधर कर लीजिए। तो अभी गेस्टर है तो इसको चाबी को करने के बाद चाबी में क्लिक कीजिए, चाबी में क्लिक करने के हाथ को थोड़ा ऊपर लाइए इधर, जिधर सब्सक्राइब है तो लेके आइए। ठीक है, तो इसको इस तरफ कर दीजिए, इस तरफ ऐसी आएगी। ठीक है, तो इसको ओके कर लेते हैं, इसको चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो अब हमको बेल बजाना है, अभी तो हो गया हम हाथ तो हो गया, अभी बेल बजाना, बेल बजाने के लिए डायरेक्ट नॉर्मली हमको सबसे पहले बेल को एक दूसरा बेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके करेंगे, हम यहाँ से एक और बेल ले लेंगे। ठीक है, एक बेल ले लेंगे, बेल को पॉपअप होना है क्योंकि बेल को पॉपअप होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बेल कर लेंगे और इसको इसके ऊपर रख लेंगे, बराबर इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बराबर रख लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, जो कि बड़ा छोटा होने के बाद ये श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, ओके कर लेंगे, इसको इसका लेंथ कम कर लेंगे थोड़ा, यहाँ पर लेंथ कम कर लेंगे वापस। अब यहाँ पर हाथ का हैंड का गेस्टर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वापस ये हो गया, इसको एनिमेशन, इसको बेल को हम एनिमेशन दे देंगे। कौन सा एनिमेशन देना है, एनिमेशन में हम पॉपअप एनिमेशन दे देंगे। ठीक है, ये बेल बजने के बाद छोटा होने के बाद पॉपअप बड़ा होने के बाद छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये पॉप दे दिया, तो अभी इसको ओके कर लेंगे, करने के बाद वापस इसको हम हैंड कैसे ले लेंगे, यहाँ से कैसे ले लेंगे। अब इसको बेल बजाना है, बेल बजाएंगे, हैंड से कैसे बेल बजाना है, इसको वापस छोटा कर लेंगे, नीचे रख लेंगे हाथ, हाथ को थोड़ा नीचे रख लेंगे। ठीक है, हाथ को थोड़ा नीचे रख लेंगे और इसको बजा देंगे। ठीक है, तो बजाना है तो यहाँ चाबी में क्लिक करेंगे, चाबी में क्लिक करने के बाद हाथ को पकड़ के ऊपर बेल तक लेके जाएंगे, बेल को छोड़ देंगे और इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया, मतलब ये हो गया। तो इसको देख लेते हैं कहाँ पर कैसे आ रहा है हाथ, हाथ बेल के ऊपर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आया, हाथ आया, हाथ गया, बेल पहले बज गया, तो बेल पहले बज गया, तो बेल को हम थोड़ा पीछे करना है। ठीक है, बेल को पीछे करना है, हाथ को थोड़ा आगे करना है, हाथ को तो हम हैंड को थोड़ा आगे कर लेंगे, थोड़ा हैंड को आगे कर लेंगे, थोड़ा सा आगे कर लेंगे, हैंड को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, इसको पीछे खींच करेंगे, तो बेल को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच करेंगे। ठीक है, बेल को थोड़ा पीछे की तरफ खींचा देंगे, थोड़ा इधर आगे से ट्रिम कर देंगे। ठीक है, बराबर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको किधर तक पहुँचाया करके। ठीक है, तो यहाँ पर आया, हाथ आया, ये देखिए, तो ये बन गया। ठीक है,
इस तरह से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से बनेगा। तो इसको फिर ऊपर सेव कर लीजिए, फिर इसके उसके इधर जाइए, वापस यूनाइटेड में जाइए, इधर जाइए शेयरिंग में जाइए, इसको सेव कर लीजिए, सेव टू गैलरी कर लीजिए। एक बार सेव हो जाएगा इसको हाई डेफिनेशन में, यहाँ जो तो HD में सेव कर लीजिए। ठीक, सेव हो जाएगा तो इसको आराम से आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सेव, देखो दोस्तों ये सेव हो गया, गैलरी में सेव हो गया। तो गैलरी में सेव करने के बाद देखो, गैलरी में जाके आप आराम से देख सकते हो उसको। गैलरी में जाओ, आराम से गैलरी में देखिए, यहाँ पर गैलरी में अब गैलरी में सेव हो गया। अब इसको आप आराम से अपनी वीडियो से पहले लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ वीडियो से पहले आप लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर ये आराम से इसको देखो, आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसमें अब आवाज़ डालने का, कैसे डालने का आवाज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वापस कैन मास्टर में चले जाइए। तो ये इसमें भी वॉइस डालना है, तो इसको वापस ऑन कीजिए। तो इसको वापस, अब इसमें तो हमारी बेल बन चुकी है। ठीक है, तो उसमें अभी हमको अभी ये है, तो इसमें अभी हमको अभी इसमें यहाँ पर वॉइस का है। देखिए यहाँ साइड में वॉइस है, वॉइस है, तो यहाँ स्टार्ट है, स्टार्ट कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब बटन दबाइए, और डेली अपडेट पाने के बेल को दबाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपका आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों।